Hello students of class 10 analytical writing requires analysis and comparison of the given facts and drawing inference or conclusion based on them the data needs to be analyzed then the students are required to summarize the data with a little bit of basics analyze comparison of main trends differences and similarities डोंट वरी टूडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द टाइप्स सी दिस इज द स्टेप स्टेप नंबर वन लेफ्ट साइड डिस्क्राइब द ग्राफ फर्स्ट एनालाइज द ट्रेंड्स एंड गिव कंक्लूजन पहले वर्णन करेंगे फिर उसको विश्लेषण करेंगे और फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे सो so, ये बहुत आसान है दो इट इज न्यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल लर्न इट डोंट वरी इसमें भी दूसरे आर्टिकल की तरह इंट्रोडक्शन है बॉडी है और कंक्लूजन है डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ़ द ग्राफ इन वन और टू सेंटेंसेस इन इंट्रोडक्शन ग्राफ में जो है उसका इंट्रोडक्शन करा दो बॉडी में ध्यान ज़्यादा देना एनालाइज द ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड रिपोर्ट कंसटेंसी और नो चेंज इफ एनी नो चेंज इज कमिंग अकॉर्डिंग टू टाइम देर आफ्टर यू मे टॉक अबाउट कंपेरिजन इंड कंट्रास्ट नेक्स्ट वी मै रिपोर्ट डिफरेंस सिमिलेरिटी एट्सेट्रा गोइंग टू डिटेल्स हेयर और अंत में इन द कंक्लूजन वाट इट इज ऑल अबाउट ग्राफ किस चीज़ के बारे में है कंक्लूड एंड समराइज इन वन और टू लाइन्स एंड टेल अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट एक शमरी के जैसा छोटा सा लिख देंगे दो लाइन का तो शुरू करते हैं बार ग्राफ से बार ग्राफ्स ग्राफ यूज़ वर्टिकल बार्स और बार्स टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर आइटम्स दैट यू नो तो बार ग्राफ को देखेंगे हम और फिर उसको एनालाइज़ करके एनालिटिकल एशे लिखेंगे नाउ फ्रेंड्स अब सक्सेस बेसिस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर सक्सेस पे ये ग्राफ है कि यंगर और ओल्डर हार्डवर्क टैलेंट इत्यादि किस बेसिस पे सक्सेस होते हैं फ्रेंड्स ब्लू आया है ओल्डर के लिए देखो ओन में ब्लू अप है इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आया है तो इंटेलिजेंस एंड टैलेंट यंगर के लिए आया है वो वहाँ पे अप है अब एनालिसिस सीखो As depicted in the bar graph, younger people and older people have different perceptions of success. They don't seem to agree about the factors contributing to success. The survey has revealed that 20% and 15% of youth hold talent and intelligence respectively. टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग शक्सेस अब देखो यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट ये सब हम डाटा दे रहे हैं यानी इंट्रोडक्शन पार करके हम एनालिसिस पर आ गए हैं फ्रेंड ठीक है आगे देखो अभी एनालिसिस चल रहा है बट ऑनेस्टी लक एंड मनी आर ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फिफ्टीन परसेंट ट्वेल्व परसेंट एंड नाइन परसेंट रिस्पेक्टिवली फॉर द ओल्डर जनरेशन बट बोथ द यंगर जेनरेन एंड ओल्डर जनरेशन हैव कम टू द कंक्लूजन अब कंक्लूजन की तरफ मोड़ने का प्रयास करें लेकिन अभी एनालिसिस ही हो रहा है नियरली इक्वल नंबर इन बोथ कैटेगरीज इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे उसे अब देखो नीचे का कंक्लूजन पढ़ता हूँ अ वेरी स्मॉल मेजोरिटी इन माइनॉरिटी इन बोथ द कैटेगरी ऑल्सो फेल्ड कॉन्टैक्ट्स क्लोज लाइजन टू बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग सक्सेस कंक्लूड दैट इंडस्ट्री कंबाइंड विथ टैलेंट एंड इंटेलिजेंस कैन कंट्रीब्यूट टू सक्सेस देखो कंक्लूड कर दिए नी एक अब है पाई चार्टे होता क्या है पाई चार्ट हाईलाइट सेगमेंट्स और पीसेस ऑफ अ सर्किल टू शो डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू ऑल्सो नो अ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब देखो यहाँ पे रोड रेस पे एक पाई चार्ट बनाया गया है ब्लू दिखा रहा है बिहेवियर रेड दिखा रहा है फैमिली एंड वर्क ग्रीन दिखा रहा है ट्रैफिक जैम एंड अदर ऑप्शन एंड ड्रंक एंड ड्राइविंग ये ऐसे बांटा हुआ है इस पर वो अगर आपसे बोलते हैं एनालिटिकल ऐसे लिखने आप क्या करोगे चलो लिखते हैं केसेस ऑफ रोड रेस आर ऑन द इंक्रीज ड्यू टू मैनी रीजन्स इट हैज़ लेड टू लॉस ऑफ लाइफ लो ये हो गया इंट्रोडक्शन टॉपिक का जिस पर ग्राफ हमें मिला था लॉस एंड डैमेज टू व्हीकल्स कंप्यूटर्स आर स्ट्रेंडेड ऑन द रोड फैले होते हैं द गिवेन पाई चार्ट डिपिक्टजेज ऑफ रोड रेज ये हो गया यहाँ तक इंट्रोडक्शन अब एनालिसिस करेंगे यहाँ से देखो अकॉर्डिंग से यहाँ से एनालिसिस शुरू हो गया कोडिंग टू द एवेलेबल डाटा अब यहाँ पे डाटा दे देगा फिर लास्ट में डाटा सारा देने के बाद जैसा कि ग्राफ में है लास्ट में कंक्लूजन कैसे हो जाएगा गवर्नमेंट एंड सोसाइटी नीड टू टेक कंक्रीट स्टेप्स टू मेक द रोड शेफ फॉर कम्यूटर यस शेफ फॉर कम्यूटर्स तो ये कंक्लूजन हो गया यही था अब टेबल समराइजेशन टेबल समराइज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन यूजली इन लिस्ट फॉर्म तो चलो अब टेबल्स का देखते हैं अगर वो पूछ दे अब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो इंक्रीज कर रहे हैं एवरी ईयर उस पर ये टेबल बना हुआ है ऐसे टेबल्स तो आपने बहुत देखे होंगे तो इस टेबल्स को कैसे एनालाइज़ करें चलो मैं शुरू करता हूँ आप पूरा लिखना द टेबल इलस्ट्रेट्स द एनुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन फोर मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ मुंबई कोलकाता दिल्ली, चेन्नई फर्दर यू एनालाइज इट ओके एंड इट एंड सेंड इट टू मी और अब मैं आपको ले चलता हूँ लाइन ग्राफ पे जो आप कोरोना वायरस के समय अभी बहुत सारे देख रहे हो लाइन ग्राफ से वो दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे मार्च से लेके अभी तक इसका संख्या बढ़ते जा रहा है लाइन ग्राफ तो ये देखो ये है एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ लुधियाना में ईयर वाइज कितना व्हीकल सेल हुआ कितने व्हीकल्स रोड पे आ गए और थाउजेंड्स में यहाँ ईयर वाइज दिखाया गया है फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन न लिखवा करके अब मैं आपको लैंग्वेज दे देता हूँ जो लगभग सभी में आपको काम आएंगे हैज रजिस्टर्ड ए डिक्रीज हैज ड्रॉप स्टीडली हैज़ ग डाउन हैज़ कम डाउन प्लाज एंड पमेट ये आप दिखाएंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिए कोई चीज़ अगर नीचे जा रहा हो ग्राफ नीचे जा रहा हो और टू रिपोर्ट कंसिस्टेंसी और टू रिपोर्ट कंसिस्टेंसी और नो चेंज हैज स्टडीट स्टीडीड हैज रजिस्टर्ड नो चेंज अगर स्थिरता दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे टू रिपोर्ट डिफरेंस हम यूज करेंगे बेटर देन है ना किसी चीज़ से किसी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए क्या लैंग्वेज यूज करते हैं आप करते भी हो बेटर देन तो ऐसे ये लैंग्वेज आपको बार बार सारे रिपोर्ट्स में काम आएंगे तो रिपोर्ट सिमिलरिटी के लिए इज द सेम एज सिमिलर टू है ना ग्रुप टुगेदर रिजम्बल सिम्बलेंस क्लासिफाइड टुगेदर ये सारे सिमिलरिटी दिखाने के लिए लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर आपको दिखाना पड़ेगा डिफरेंस दिखाना पड़ेगा अप दिखाना पड़ेगा और हाई दिखाना पड़ेगा नो no, तभी तो होगा वो एनालाइज एनालिटिकल और जब वो एनालिटिकल होगा और आप वर्णन करेंगे तो हो जाएगा ऐसे और आर्टिकल तो यही था एनालिटिकल इन आर्टिकल फॉर क्लास टेन आई होप क्लास टेन स्टूडेंट्स यू कैन राइट इट Rewatch it and learn it properly. Wow.